कभी ढाई ढाई साल की सरकार तो कभी सीएम और डिप्टी सीएम का चक्कर, ये जो मिलीजुली सरकार अपनी सरकार में ही चलने लगती है ना, ये हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे कर्मकांड लेकर आती है जिसको कि मतलब राजनीति के लिहाज से सही नहीं माना जाता। मतलब ताज़ा एग्जांपल हम लोग राजस्थान में जो सरकार बनी हुई है कांग्रेस की, उसमें देख सकते हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तकरार चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से पनपी थी। तो ऐसे में कर्नाटका में जो बात चल रही है कि भैया सिद्धरमैया सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे शिव कुमार, कहीं ये भी एक बड़ा रोड़ा ना बन जाए। लेकिन ये रोड़ा बने उससे पहले ज़रा आप जान लीजिए कि भैया आईपीएल में एक हारी हुई फ्रेंचाइजी जो कभी जीती नहीं पाती, वो पैसा कैसे बनाती और किस तरीके से करोड़ों रुपये बहाती है। मैंने ये वीडियो पोस्ट किया है अपने चैनल के ऊपर जिसका कि लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आपको भी पता चल सके कि भाई आखिर ये आईपीएल में पैसा कमाने का माजरा क्या है। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दरअसल इस समय कर्नाटका में काफ़ी उधेड़बुन मची हुई है। कर्नाटका में कांग्रेस ने बड़ी जीत के बाद अब सीएम पद को लेकर डील क्रैक कर ली। जो फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है उसके तहत फिलहाल सिद्धरमैया मुख्यमंत्री होंगे और डीके उनके डिप्टी के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा डीके को कई अहम मंत्रालय भी सौंपे जाएंगे। इसी बीच एक और फार्मूला निकलकर सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि डीके को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से आश्वासन मिला है कि ढाई साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यानी पहले ढाई साल सिद्धरमैया सीएम रहेंगे और बाकी बचे ढाई साल डीके शिवकुमार कुर्सी संभालेंगे। हालांकि भारतीय राजनीति में देखा जाए कि पावर शेयरिंग का ये फार्मूला हर बार फेल ही हुआ है। पहले भी कई राज्यों में इस तरह के फार्मूले बन चुके हैं, लेकिन वक्त आने पर पावर दूसरे के हाथों में नहीं दी गई, यानी पावर को शेयर करना हर किसी के लिए मुश्किल रहा है। अब ऐसे में जो पूरा ये पूरा माजरा चला है अभी चुनाव जीतने के बाद में, उसको समझिए, क्योंकि कर्नाटका में 10 मई को वोटिंग हुई और 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए थे जिसमें कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज करी थी। जीत के बाद सीएम पद को लेकर डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच जमकर खींचतान हुई और दिल्ली में बैठकों का एक दौर भी चला। डीके इस बात पर अड़ गए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहीं वो नहीं चाहते थे कि सिद्धरमैया सीएम बने। राहुल गांधी और सोनिया से बातचीत के बाद अब कहा जा रहा है कि डीके मान गए। वहीं ढाई साल वाले फार्मूले की बात भी सामने आई है जो डीके और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। अब इसी बात को समझते हैं कि आखिर कर्नाटका में ये फार्मूला पहले भी कैसे फेल हो चुका है, मतलब ये पावर शेयरिंग वाला। देखिए बाकी राज्यों की अगर हम बात करें उससे पहले हम कर्नाटका की ही कहानी का जिक्र कर लेते हैं। जब पावर शेयरिंग वाला फार्मूला बुरी तरह से फेल हुआ था और सरकार गिर गई थी, बात है साल 2004 की जब कर्नाटका में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। बीजेपी को 224 सीटों में से सबसे ज़्यादा 79 सीटें मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस को 65 और जेडीएस को 58 सीटें मिली थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी बीजेपी गठबंधन नहीं कर पाई और कांग्रेस जेडीएस ने साथ मिलकर सरकार बना ली। इस सरकार में धर्म सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2006 में जेडीएस ने कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। बीजेपी के साथ जेडीएस ने बातचीत की और पावर शेयरिंग का एक फार्मूला तैयार हुआ जिसके तहत 20 महीने जेडीएस का सीएम और बाकी बचे 20 महीने बीजेपी का मुख्यमंत्री होना था। जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी इस गठबंधन में 20 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब पावर शेयरिंग की बारी आई तो बीजेपी को कुर्सी सौंपने की जगह कुमार स्वामी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इस तरह सरकार गिर गई और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जेडीएस कुछ दिनों के बाद बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा को सीएम बनाने पर हामी भरी और नवंबर 2017 में येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ली। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर बात नहीं बनने पर एक ही हफ्ते में जेडीएस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। हालांकि बीजेपी और खासतौर पर येदियुरप्पा ने इसे जमकर भुनाया और जनता के बीच इस बात को पहुंचाया कि उन्हें धोखा मिला है। सहानुभूति के तौर पर उन्हें अगले ही चुनाव में जमकर वोट मिले और पार्टी ने कर्नाटका में सरकार बनाई। बीजेपी ने 110 सीटों पर जीत दर्ज करी और जेडीएस 28 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं कांग्रेस को इस बार 80 सीटें मिल गईं। इसके बाद अगर हम इस फॉर्मूले को और समझें तो छत्तीसगढ़ में भी जमकर बवाल हुआ है। दरअसल कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी इस फॉर्मूले की जमकर चर्चा हुई थी। यहाँ कांग्रेस ने 2018 में 90 सीटों में से 68 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करी थी। कर्नाटक की तरह ही यहाँ भी पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी थी। तब कांग्रेस आलाकमान की तरफ से पावर शेयरिंग के फार्मूले की बात कही गई थी। कहा गया था कि पहले ढाई साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद टीएस सिंहदेव को सीएम पद दे दिया जाएगा। 2021 में सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद जब टीएस सिंहदेव ने आवाज़ उठाई तो भूपेश बघेल ने पावर शेयरिंग से साफ इनकार कर दिया। बघेल की राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व के साथ नज़दीकियों के चलते इस फार्मूले को भुला भी दिया गया और बघेल ही सीएम पद पर बने रहे। नाराज सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं और आलाकमान ने बघेल को नहीं हटाया। अब अगले कुछ ही महीनों में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में टीएस सिंहदेव पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी करने के लिए तैयार बैठे।
इसके अलावा बसपा बीजेपी का पावर शेयरिंग फार्मूला भी आपको याद होगा। साल 1996 में सबसे पहले पावर शेयरिंग फार्मूला पूरी तरह से फेल हुआ था। तब मायावती की बसपा और कांग्रेस ने चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया था। नतीजे सामने आए तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा 174 सीटें मिली, जबकि सपा को 110 और बसपा को 67 सीटें और कांग्रेस को 33 सीटें मिली थी। तब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था और राज्य में कुल 424 सीटें होती थी। चुनाव के बाद बहुमत किसी भी दल के पास नहीं था और गठबंधन भी नहीं हो पाया, जिसका नतीजा ये रहा कि कुछ ही महीनों में राष्ट्रपति शासन लग गया। मार्च 1997 में बसपा और बीजेपी की बातचीत शुरू हुई और एक फार्मूला तय हुआ, जिसके तहत 6-6 महीने में मुख्यमंत्री बदलने की बात कही गई, क्योंकि 1995 में एक बार पहले ही बीजेपी बसपा का गठबंधन फेल रहा था। ऐसे में बीजेपी की तरफ से लिखित में मायावती समझौता किया गया। मायावती ने सीएम पद की शपथ ली और 6 महीने पूरे होने के बाद बीजेपी को पावर ट्रांसफर कर दिया। बीजेपी के कल्याण सिंह ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन एक ही महीने तक वो सीएम रह पाए, क्योंकि मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार इस तरह 90 के दशक में भी पावर शेयरिंग का फार्मूला पूरी तरह से फेल साबित हुआ। अब कर्नाटका में भी शिवकुमार इसीलिए इस फार्मूले से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि जो पहले कुर्सी पर बैठता है और असली पावर उसी के हाथ में होती है, और जिसने सत्ता का स्वाद चख लिया वो उसे किसी दूसरे के हाथों में आसानी से जाने भी नहीं देता। देखना अब ये होगा कि कर्नाटका में डीके शिवकुमार इस फ्लॉप फार्मूले पर हामी भरते हैं या फिर वो डिप्टी सीएम, जिस तरह की खबरें आ रही हैं डिप्टी सीएम उनको बना दिया गया है, उस और बाकी कुछ मंत्रालयों की खबर पर संतुष्ट हो जाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या भविष्य होगा इस पावर शेयरिंग का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।